इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली में, डबवाली विधानसभा क्षेत्र में। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर रोड शो करने पहुंचने वाले हैं और इस बीच यहां के लोगों से बात करते हैं कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वोटिंग होने वाली है। क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह जी। गुरमीत जी, आप यहीं के लोग? हाँ जी। यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या क्या है, इस बार चुनावों का मुद्दा क्या क्या बनेगा? शहर में गंदगी बहुत ज्यादा फैली है जी, एजुकेशन व्यवस्था है नहीं जी, कोई चंगा कॉलेज है नहीं शहर जी। और जो यहाँ से सरकार थी 10 साल से बीजेपी की सरकार, कुछ काम किया है? कोई काम नहीं किया जी, कोई आया ही नहीं थे जी, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया जी। मौजूदा विधायक जो है वो कभी सुनते हैं आप लोगों की? वही उसको लोग बोलते हैं भी कोई काम नहीं किया, वो कहता है ऑपोजिशन सरकार है, मैं क्या करूँ। कांग्रेस का विधायक है जी। अच्छा, वो हाथ खड़े कर देते हैं? वो आता ही नहीं जी, लोगों में आया ही नहीं, आप वोटों के वक्त आता है जी। यानी कि यहाँ पर हमेशा राजनीति के शिकार रहे हैं आप लोग? राजनीति के शिकार रहे हैं जी, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ जी। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है आपको बदलाव? इस बार बदलाव लेने तैयार है जी पब्लिक, देखो जी कितना इकट्ठ हो रहा है जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी बड़ी तेजी से पूरे हरियाणा में प्रचार कर रही है, 5 गारंटी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई है, क्या सोचते हैं उसको लेकर? साडा जी जिहड़ा शहर है पंजाब दे नाल सटा होया जी, पंजाब च वधिया काम होया जी, उस नू देख के असी इधर नू झुकाव होया जी पब्लिक का, ये सारी पब्लिक बिना सदे आई जी। एक छोटा कैंडीडेट है जी, वह धनाड़ आदमी है पैसे वाले, तो इन्होंने तो लोग ही समर्थन कर रहे हैं, आपो आप हुम के आए हैं जी, कोई किसी ने साधन नहीं भेजा, किसी ने आप दे आप ही आए हैं जी। क्या नाम है आपका? साधु सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के। क्या कुछ समस्या है आपके इलाके? सारी समस्या है जी, कोई समस्या पूरी नहीं की इन्होंने, कभी ये आए ही नहीं एमएलए, 5 साल हो गए कभी इन्होंने गेड़ा ही नहीं मारे हमारे पास। और जो बीजेपी सरकार ने दावे करके हमने कोई दावा दुआ पूरा नहीं किया कभी बीजेपी ने, और बीजेपी ने तो मारे हैं किसानों को, बताओ ये नहीं मारे तो सभी को मार के गए। अभी तो ये सोचा भी आम आदमी को वोट देंगे, नई पार्टी ले आएंगे, ऐसा वो काम ही नहीं करता कोई, इसलिए कह रहे हैं भी हम तो नई पार्टी आएगी उनको वोट देंगे। पार्टी काम करती है आपको? हाँ, आम आदमी सभी काम करती है, अगले की सुनाई करती है, इनको वोट देंगे। हाँ डालेंगे आम आदमी को, क्योंकि हमारे को जो रोजगार है वो नहीं मिल रहा, नौकरियां नहीं मिल रही, इसलिए दिहाड़ी करते हैं जी, मजदूरी करते हैं, टेंट लगाते हैं जी। सरकार ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर इतने सालों में? अभी तक आया नहीं मेरे पास। लोगों यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है पहुंचे हैं आज, और लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव के मूड में है। और भी लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? क्या नाम है? साहब सिंह। कहाँ के रहने वाले? हाँ जी, कहाँ के रहने वाले? कतराना। कतराना। इस बार क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर इलाके में, इलेक्शन का क्या माहौल है? बहुत चंगा माहौल है जी आम पार्टी का। अच्छा। हाँ जी, सारे नु छड्डी खड़ी है इस टाइम, पूरा सिरे का माहौल बन रहा, डबवाली दे विच पहले नंबर ते आ रही है, पिंडा पिंडा जाने हैं, जिहड़ा मतलब भी जिमीदार इलाका है सारा पूरा खुश हो रहा है, पंजाबी बंदा है, तो बहुत इन्हें बेचारे ने साथ किया, 35 साल पहला कांग्रेस चलाए है, उतने टिकट नहीं दी, हूँ इन्ह का पूरा वधिया लोग इज्जत करते हैं, तो पूरा हंगारा दे जाते हैं। हाँ जी, बीजेपी और कांग्रेस को लेकर क्या कुछ काम है? बीजेपी का जमा उही होगी लोग, कांग्रेस थोड़ी है, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਜੱਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਗਏ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੰਗਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜੱਚ ਕੇ। ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਜੱਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਹੋ बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर अब से कुछ देर में अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उनसे वोट मांगेंगे। और इस बार जो हरियाणा में लोग जनता जो है वो लगातार ये बात कर रही है कि बदलाव होना चाहिए, और बदलाव समय की मांग भी है। कैमरा गंभीर सिंह राणा के साथ कौशिक, न्यूज 24 डबवाली।